अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ पे करें हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद रहे। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। फिर शुरू करने से पहले आप लोग शुरू कर सके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों दस्ताने गिनाने दा पे गर्मी है ना, गर्मी ना सीमेंट लाया तो सीमेंट लगा के ना हाथ पर, इस वजह से वो हाथ पर लग गए, फट गए सारे। अच्छा दस्ताने रे वो ऊपर या ग्लव जो थे वो लगा के ना फिर गर्मी बहुत ज्यादा। ये देखो धूप, देखो कितनी ज्यादा धूप है, बहुत तेज धूप निकली हुई है। आज ना मैंने जाना था अपने दोस्त के घर शाम को, तो उन्होंने मुझे मतलब एक हफ्ता पहले उन्होंने मुझे कहा था कि एक हफ्ते के बाद मेरी बर्थडे है तो आपने ज़रूर आना है। तो कल रात को भी मैसेज आए थे, अभी फिर उनकी कॉल आई थी, कहते सुनिए आप आई नहीं हो। मैंने कहा आपकी शाम को बर्थडे है तो देखती हूँ आना ही आना। तो अम्मी अबू भी कह रहे हैं कि आप चले जाओ, क्योंकि जो मेरी जहाँ पर मैं जाती हूँ हमेशा पार्लर है जहाँ पर जिसका, तो उसकी बहन की बर्थडे है तो वो भी मेरे दोस्त है, वहाँ जाना है हमने। मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ ना जाऊँ, गर्मी है बाहर देखती हूँ तो गर्मी होती है, तो शाम को जाऊँगी इंशाल्लाह। तो फिर वहीं से तैयार भी होंगे इंशाल्लाह अम्मी पे, क्योंकि उनका खुद का पार्लर है ना, तो वहीं से मैं तैयार भी होंगी। तो फिर यहाँ से मैंने जल्दी जाना होगा, क्योंकि उनके लिए गिफ्ट भी लेना होगा ना, ऐसे खाली हाथों नहीं जा सकते ना, तो गिफ्ट वगैरह लूँगी तो उसके बाद उनके पास जाऊँगी। अल्लाह करे मौसम अच्छा हो जाए, आज गर्मी होगी, कल मौसम अच्छा था, आज जो है ना गर्मी होगी है। रात को ही होगी बर्थडे, तो रात को इंशाल्लाह फिर वहाँ पे जैसे उन्होंने सेटअप करना है, केक वगैरह काटना है, तो कौन सा सूट पहन रही हूँ, कैसे तैयार होंगी, तो इंशाल्लाह वो सारा आपसे शेयर करूँगी। तो अभी मैं बस नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ, नमाज़ पढ़ के ना उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है। 3 बजे तक मैं निकलूँगी यहाँ से, 3 बजे के बाद किसी से पूछती हूँ कोई चलेगा तो, वरना अकेले चली जाऊँगी, क्योंकि हमारे घर के साथ ही अपने शहर में है तो मैं वहाँ अक्सर जाती हूँ। ये देखें जी, हमारे बाथरूम बहुत अच्छे बन गए हैं। ये देखें ऊपर जो जगह बची हुई है, यहाँ पे पेंट हो जाएगा। अब तो यहाँ पे शावर वाला सिस्टम भी बनाना है। ये देखिए अभी काम हो रहा है यहाँ पे, ये टायर्स जो है ना ये पानी में रखी हुई है जी। टाइम इसका खराब है, 2 बजने वाली है, हमारे पास तो 2 बजने वाली घड़ी का टाइम खराब है। अभी आपने सोना नहीं है, देर हो गई है। रकम इसकी पूछ ही रही हो, कितने की है? 600 की घड़ी है। अच्छा तो फोन लगाओ, इधर सो जाओ, मैं अपनी बाल बना रही हूं, उसके बाल जो बंदे होते हैं इधर सो जाओ। तो इसी चंद्र रखी हूं मैं, तो मैं सो जाओ। क्या लेकर आ गए हो उधर? मैं सर्दी लग गई है इसको। तकिया लग गई, तकिया लेकर आ गया। गर्मी है इसको, सर्दी लग गई। फोन ही बालों को लगाई करो, अच्छी बात नहीं होती, गर्मी बला होती है, बहुत गर्मी होती है। आप गर्मी नहीं लगती है, गर्मी नहीं लगती है आपको? गर्मी बहुत होती है। दूसरी मैडम कहाँ है? वो नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ के अभी नमाज पढ़ हाँ वही कुरान पाक नमाज नमाज क्यों अच्छा अमन के बारे में आप कह रहे थे कि दांत साफ नहीं करती, इसको ये ना रोजाना दांत साफ करती है, इसको दांत को अपनी क्या मसला है? ऐसे है पीले है ना, ऐसे है ऐसे मतलब खराब हो रहे हैं। अच्छा ऐसा करो अमन, मैं मसवाक है ना वो साफ पड़ा है वो लगाओ, वो ठीक हो जाएगा। आप ही एक ट्रिक, एक वेला को बाल दा वेला होता नहीं देना वेला आओ माया चिंदा बच्चे थे ना नहीं कोयला जो होता है वो जो जिससे आग बन आग जलती है और काला काला निकलता है वो कहते दांत तो लगाओ ना। हाँ वो सही हो जाए, वो सही भी सही होता है। अस्सलाम वालेकुम, आज अंदर आ जाओ, सो जाओ, घर में क्या कर रही हो? मैं जैसे टीवी ले जाओ तो रख लो, इससे काम चेक करो। अच्छा देखो
मम्मी की दवाई लेकर हम लोग वापस आ गए थे और कल जुमा था इसलिए हमें कोई सामान भी नहीं मिला, बस एक मुजम्मिल का शूज़ लिया और अम्मी ने अपने लिए शूज़ लिया और मैंने अपने लिए एक दो शूज़ लिए, तो बस और कुछ भी नहीं ले सके। कारपेट भी नहीं मिला क्योंकि कल जुमा था, शॉप्स वगैरह सारी बंद हो गई थी, शाम हो गई थी और मौसम भी ख़राब था, तो हम लोग जल्दी वापस आ गए थे दवाई लेकर ना, तो दवाई मिल गई थी अम्मी की, मेडिसिन वगैरह लेकर ना हम लोग आ गए थे, तो हमने सोचा कि हम फिर कभी जाएंगे और ले आएंगे कारपेट, कमरे के लिए कारपेट लेना है ना। अभी जी बच्चों से पूछते हैं कि कौन कौन मेरे साथ जाने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ किसी को लेकर जाऊँ। चढ़ी हुई हो? हाँ। चल रहा है आपने? नहीं मैं नहीं जाना। क्यों? वैसे मैं दिन नहीं कर रहा, मैं घर पे हूँ। नहीं जाना? नहीं मैं नहीं जाना। हाँ देखो जाने के लिए भी जानी है और आपने? मैं जाना है। आपने जाना है? अच्छा मैं कह रही थी काफी दिनों से कि मुझे कहीं नहीं, मैं जाती नहीं हूँ, मुझे कहीं ले करने जाते, तो ये तो अपनी कजनों से उधर गुड़िया के पास भी जाते हैं, मिलाते हैं और वो अपनी पप्पो के घर भी जाते हैं, मैं तो कभी भी नहीं कि बाहर जाती हूँ, अंदर आ जाती हूँ। चलो आप चले जाओ मेरे साथ, ठीक है? मैं भी जाना नहीं। घर में क्या करूँगी? कुछ नहीं। आप? हाँ मुजम्मिल का है, मुजम्मिल तो चलेगा ना। चलो कुछ नहीं होता, हम साथ जाएंगे, मजा आएगा। नहीं मैं नहीं जा रहा। क्या? लंबी समझ नहीं आई। लंबी ट्राली। लंबी ट्राली? लंबी ट्राली की लंबी ट्राली क्या कह रही हो? लंबी ट्राली आपको समझ आ रही है कुछ? ये लंबा टू क्या लंबा टू सही से बताओ क्या कह रही हो? लंबे टूर पर जाना इसने। अच्छा आपने भी? हाँ मैंने भी। मैं लंबी ट्राली क्या होती है, लंबे टूर पे जाना है इन्होंने, इधर नहीं जाना। चलो आपको लंबे टूर पे लेकर जाएंगे, ठीक है? हम प्रोग्राम बनाते हैं इसके बाद, तो फिर इंशाल्लाह चलेंगे लंबे टूर पर, जहाँ पे मजा आएगा, कोशिश पूरी करूँगी इंशाल्लाह लेकर जाऊँ। आपकी दादी और वो सब मान गए तो फिर लेकर जाऊँगी आपके बच्चों को अकेले नहीं जाते ना, तो इसलिए, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी इंशाल्लाह इनको अकेले लंबे टूर पर लेकर जाऊँ, तो इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कुछ, मैं खुद भी सोच रही हूँ बच्चों को लेकर जाऊंगी लंबे टूर पर ना। अच्छा ये वाला सूट पहन के जाना है आपने? दुपट्टा नहीं है इसके साथ? दुपट्टा है वो अंदर पड़ा हुआ, पहन ली। हाँ इसका तो ब्लैक दुपट्टा है ना? हाँ ब्लैक। अच्छा क्या बात है, अब तो ऑलरेडी तैयार होकर खड़ी हुई है। सबसे पहले तैयार मैं होती जब कहीं जाती हूँ। अच्छा। ना जैसे वैसे काफी कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं गई, चार पाँच महीने हो गया। कहते हैं कि लैबो को ना कहीं लेकर जाया करो अंदर बाहर ना, तो ये जाती नहीं है कहीं, उधर रिश्तेदारों में से तो कहीं पे भी हम नहीं जा सकते, तो ये बच्चे तो जाते हैं लेकिन हम लोग कहीं पे भी नहीं जाते हैं। इवन ये कि हम खाला के घर भी नहीं जाते, तो हम लैबो भी नहीं जा रही काफ़ी अच्छे से ना, तो कह रही कि मैं बोर हो रही हूँ तो मैंने चलना है आपके साथ। मैंने कहा ठीक है आप चलो फिर, अब बैठ गई है और अभी मैं भी जा रही हूँ साथ। हाँ बैठती हूँ और वो बादल आ रहे हैं लखरे की बारिश से, ये पकड़ो ये ना मेरे कपड़े मैंने लेकर जा रही हूँ साथ, वहीं पे जाके चेंज करूँगी, उन्होंने कहा कि मैं आपको तैयार भी करूँगी, तो वहीं पे जाके तैयार करूँगी, तो आप लोगों ने देखना है कि मैं किस तरह से तैयार। तो अभी मैं यहाँ से गिफ्ट ले रही हूँ अपने दोस्त के लिए, गिफ्ट पैक करवा रही हूँ। गिफ्ट बहुत अच्छा है। अच्छा बहुत अच्छा है, बैठ जाओ ले वा। तो अभी जी मैं रेडी हो गई हूँ, देखिए मैंने मेकअप वगैरह जो ना अपने दोस्त से करा लिया, जिसका बर्थडे है ना उन्होंने मुझे खुद तैयार किया है। तो आप लोगों ने बताया मैं कैसी लग रही हूँ, बिल्कुल मैंने मतलब कि सिंपल सा लाइट से मैंने मेकअप कराया है और जो सूट है ना वो मैंने ये वाला पहनना है, ये वाला ड्रेस जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी वीडियो में दिखाया था। तो मैं चेंज करूँ कपड़े, तो मैंने कपड़े चेंज नहीं किए क्योंकि इनकी सारी कजने आ गई हैं, बहुत ज़्यादा रश हो गया और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बाहर जो है वो सेटिंग वगैरह सारी हो गई है बर्थडे की। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी दोस्त का सूट, जो मेरी फ्रेंड है अलीशा, उनका नाम अलीशा, तो उनका भी दिखाती हूँ ड्रेस कौन सा पहन गया, ये वाला सूट है जी उनका, ये सूट है और ये देखें नीचे जो है गरारा टाइप, ये देखें और ये सारा उसको ज्वेलरी मेकअप सारा कुछ, अभी उसने तैयार होना है तो उसने कहा कि मैं आपको पहले तैयार कर लेती उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी, तो फिर मैं दोस्त तैयार होगी। केक भी आ गया है, अभी अभी केक आया है और बाकी इंतजाम वगैरह भी कर रहे हैं, कपड़े वगैरह भी मैंने चेंज कर रही हैं और आप सबने बताना जरूर है कि मैं कैसी लग रही हूँ। और लैबा ने भी थोड़ा बहुत मैंने मेकअप करा लिया है, पहले तो कह रही थी कि मैंने नहीं करवाना लेकिन फिर उन्होंने करवा लिया, और ये झुमके ज्वेलरी वगैरह कुछ लैबा की उठाई है, कुछ मैंने अपने दोस्त की उठाई है, मतलब कि मेरे ना आने की यहाँ पे तैयारी नहीं थी लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो चली जाती हूँ, मेरे दोस्त हैं ना वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी, तो बस ये उन्होंने कहा कि बस आपका मेकअप जो हम खुद कर देंगे तैयार हो कि नहीं ना, तो इसलिए उन्होंने खुद ही मुझे तैयार किया। तो आप सबने बताना जरूर है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो
तो अभी नीचे जो है इंतज़ाम कंप्लीट हो गया है, बस वो पीछे डेकोरेशन वगैरह जो है ना वो भी हो रही है, क्योंकि रात का प्रोग्राम था ना इस वजह से शाम को, तो अभी शाम तो होने वाली है, रात तक इंशाल्लाह सब कुछ सेट हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह केक जो है ना वो काटेंगे। तो आप सब ने मेरी फ्रेंड को बर्थडे हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिखना है नीचे, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं देखने वाले सब ने लिखा। और अभी मैं आपको लैबा को भी दिखाती हूँ, लैबा बहुत ही प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है लैबा। दुपट्टा किसने दिया है? दुपट्टा एक लड़की है उसने दिया। अच्छा, वो कह रही है मैच नहीं हो रहा ऐसे? हाँ। अच्छा, अब देखो मैंने इतनी हल्की लिपस्टिक लगाई है, लैबा का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है ना, जितनी मर्जी लिपस्टिक हल्की लगाओ ना फिर भी तेज लगता है, पता नहीं चलता ना। नहीं तेज लग रहा है अभी भी, देखो हल्का कलर मैंने लगाया, रेड कभी लगाई भी नहीं है मैंने। और ठीक, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, फन बहुत ज़्यादा, मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब तो केक काटेंगे जाए ना, कोई भी मतलब कि वीडियोस में वगैरह में नहीं आते हाँ। क्योंकि इनमें अलाउ नहीं है, तो मैं डेकोरेशन वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी, और मैंने अपनी फ्रेंड के लिए जो गिफ्ट दिया है वो भी मैं अनबॉक्स करेगी ये, तो वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह आपको, लेकिन वो सामने नहीं आ सकती क्योंकि इनकी फैमिली में से कोई भी नहीं आता वीडियो में ना। तो बाकी सारी डेकोरेशन इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, खाना वगैरह भी दिखाऊंगी, जो भी चीज़ होंगे सब कुछ दिखाऊंगी इंशाल्लाह, आपने वीडियो से जुड़े रहना है ना। इस तरह के मैं ये कपड़े इतनी मुश्किल से, हाँ इतनी मुश्किल से ये वाले पहनते, टिशू वाले जो होते हैं इसमें ना ये सर के ऊपर रुकते ही नहीं है, मतलब पिन्ने वगैरह लगाओ पर फिर भी, लेकिन टाइम नहीं था, इतना नीचे इतना रश लगा हुआ, इतनी लड़कियाँ आई हुई हैं तैयार होने के लिए, तो इसलिए ना टाइम नहीं मिला। दुपट्टा जो ना मैंने पकड़ा हुआ है, वैसे भी पकड़ के रखती हूँ और तो कुछ ज़्यादा ही पकड़ा हुआ है मैंने, ये रुकता ही नहीं है सर पर, बंदा क्या करे, मजबूरी है, ये सूट तो पहनना था ना। तो अभी मैं आपको फुल लुक भी दिखाती हूँ अपनी, वो लैबा दिखाई दी मोबाइल पकड़ करना, क्योंकि कोई भी नहीं है, वरना आलिशा पहले मेरी वीडियोज़ बनाती हैं, लेकिन अभी वो नीचे खुद मसरूफ़ है। अच्छा, आज मैंने कंगन भी पहने हुए हैं, छन वाले, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं कंगन। कैसा लग रहा है सूट? माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है सूट है, नहीं नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है। हाँ चलो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हाँ। फिर अच्छा ही होगा। बिंदिया भी अच्छी लगाई हुई है, नीचे देखो नेकलेस भी बहुत अच्छा पहना माशाल्लाह। मैंने ये ना सात महीना मैच के लिए, मेरा पहले जो गिफ्ट आया था उसमें सब कुछ था, तो ये बिंदिया जो है ना ये मेरी थोड़ी बहुत मैच हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही है, मैंने अपने दोस्त उठा के लगा ली सबके ऊपर, ऐसा होता रहता है ना, अभी ये उतार दूंगी मैं ना, हम बहन दोनों ऐसे करते हैं ना, ये चीज लेते रहते हैं। अच्छा वहाँ वैसे ना काफी दिनों के बाद मैं तैयार हुई हूँ, क्योंकि पहले हम तैयार होते हैं लेकिन ऐसी तरह, लेकिन फॉलर पे यहाँ पे इनके पास ना काफी दिनों के बाद तैयार हुई हूँ, तो आप सबने बताना जरूर है कैसी लग रही हूँ। और चूड़िया मैंने वैसे और कोई नहीं पहनी, बस यही पहन, माशाल्लाह बहुत प्यार लग रही है, और पहनने की जरूरत भी नहीं है, अच्छे लग रहे हैं ऐसे ना, जैसे है खुले थोड़े से, मोटी नहीं होता, मोटी हो जाओ थोड़ी सी, आपके जितनी मोटी जो फिर पूरे आ जाएंगे, मुझे तो मैं भी इतनी मोटी तो नहीं हूँ। अभी हम छत पे हैं, मैं नीचे उनकी सारी फैमिली है तो सब हैं, तो इसलिए नीचे हम नहीं जा सकते, अभी छत पे हैं हमें, यहाँ पे हम अपनी वीडियोज वगैरह बना रहे हैं, तो अभी नीचे जाएंगे और आपको सारा जो है ना डेकोरेशन वगैरह सारी दिखाएंगे आपको, तो आपने बताना है कि कैसे लगी है, सारी डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, और खाना जो है ना वो सब कुछ रेडी है, और केक भी रेडी है, तो अभी खाना जो है ना वो आ गया है, दोस्त यहाँ पे खाना बहुत अच्छा बनाया है, तो अभी सिर्फ हम सिंपल सा भी खाना खा रहे हैं क्योंकि भूख लगी हुई है सबको, तो इसलिए खाना वगैरह उन्होंने बना दिया, और केक जो है अभी काटना है, तो वो उसकी ना डेकोरेशन हो रही है बाहर, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। लैबा को लगी हुई भूख, लैबा कब के लेकर आई हूँ तो भूख लगी हुई है, तो उन्होंने कहा कि चलो अभी ये खा लो चिकन पुलाव, और ये देखें चिकन भी बनाया है सालन, और साथ में पानी, और ये हम खा लेते हैं, तो किसी ने खाना है तो आज हम मोस्ट वेलकम खाना खा के, तो उसके बाद हम बाहर का डेकोरेशन जो है वो आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह, आपको दिखाते हैं कि किस तरह की डेकोरेशन की है, और केक भी अभी काटना है ना। डेकोरेशन जो है ना वो कंप्लीट हो गई है, ये देखिए जी माशाल्लाह ब्यूटीफुल, क्या बात है, बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी, ये देखिए हैप्पी बर्थडे पर लिखा हुआ है, और बहुत ही प्यारी वहाँ पे चेयर रखी हुई है मेरी दोस्त के लिए, और यहाँ पे केक रखेंगे गिफ्ट। तो अभी अंधेरा है, अभी मतलब कि हमने खुद ही अंधेरा किया हुआ है, उसको लेकर आएंगे, आगे खोलेंगे उसकी, फिर लाइट्स ऑन करेंगे। ये देखो अभी लाइट्स ऑन हो गई हैं। ओ ये देखो, हेलो, कैसी हो, आज तो बहुत प्यारी लग रही है गुड़िया, डांस करोगी आज? ये देखिए जब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए लाइट्स ऑन हो गई हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से सीन है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरी दोस्त, जिस दोस्त की मेरी बर्थडे ना, अल्लाह पाक उसको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, आमीन। अलीशा नवाज, तो वो भी केक जो है वो कट करेंगे।
तो अभी केक वगैरह भी मैंने खा लिया, कट भी कर लिए केक, और ये आपका गिफ्ट, और ये भी मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे, और ये सूट जो है ना वो दिखा दें, बाकी ये पैक है ये फिर बाद में देख लेना, इसको मैंने पैक करना था लेकिन मैंने पैक नहीं किया, तो अभी मैं बस घर जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो इस वजह से थैंक यू। कैसा लगा? प्यारा, बहुत प्यारा। डिज़ाइन कैसा लगा, कलर कैसा लगा? अच्छा प्यारा है और डिज़ाइनिंग भी बहुत प्यारी। और ये है गिफ्ट, इसको बाद में आप बेशक खोल लेना, कोई मसला नहीं। तो अभी ये दूसरा गिफ्ट है जी, खोल के ये ला, आई लव यू। क्या बहुत कैसा लगा? थैंक यू, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा।